पहले अपने सब्सक्राइबर को खिलाना चाहते हैं। कट कट कट। हाँ तो भैया, अगर आपको चटखारा खाने का मन करे तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज है संडे का दिन, आज हम लोग सोचे कि थोड़ा चटपटा बनाया जाए, तो आज हम लोग फ्राइड राइस बना रहे हैं और चिंग्स सीक्रेट मसाला के साथ। तो आइए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट दिखाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये सफोला एक्टिव ऑयल लिए हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं कैरेट है, उसके बाद इसको कहते हैं मकई है, ये स्वीट कॉर्न है, ये ओनियन है, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा हम ले लिए हैं इसको क्या कहते हैं, इसको अदरक कहते हैं इंग्लिश में, जिंजर। ये है हमारा लहसुन, देहात में इसको लहसुन और इंग्लिश में इसको गार्लिक कहते हैं। यही थोड़ा सा मिर्चा लिए हैं, ये सोया सॉस हो गया, ये आप देख लीजिए चेंग्स सेजवान फ्राइड राइस। और चावल हम लोग लिए हैं ये फॉर्चून बिरयानी राइस, तो देख रहे हैं इसको कढ़ाई भी कहते हैं, ये है कड़ाहा। इसमें 25 आदमी का खाना एक बार बनते हैं, छोटा सा बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन सोचे कि थोड़ा यूट्यूब का वीडियो है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये बड़ा में बनाते हैं, हालांकि इसका स्वाद कुछ और मिलता है। आइए गैस को करते हैं ऑन। सबसे पहले गैस को कर ली है मॉल, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा रिफाइन और फिर उसके बाद जो फलाना ढिकाना है जो चीज उसको डाल के हम लोग स्वादिष्ट बनाएंगे चिंग्स फ्राइड राइस। अगर ये वीडियो देख के अगर आपका भी मन में पानी आए, मुंह में पानी आ जाए, तो पॉकेट से 100 रुपए खर्चा कर लीजिएगा और परिवार के साथ जरूर मिलके बनाइएगा। आइए चलिए इसको बनाने की पहले रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे तेल हम लोग गर्म कर लिए हैं, सबसे पहले हम लोग लहसुन डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिर्च डाल दिए हैं, इसको फ्राई करते हैं, थोड़ा आंच जो है ना कम कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डाल दिए हैं अदरक, तीनों को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अब हम लोग इसमें गाजर मिलाते हैं, थोड़ा सा ये भी काट के रखे हुए थे इसको फ्रेश बीन करते हैं, इसको भी मिलाते हैं। इसमें हम डाल दिए प्याज, सारी चीजों को डालने के बाद थोड़ा सा इसको 60% ही कुक करेंगे। उसके बाद जो यह राइस है फॉर्चून बिरयानी राइस, इसको हमने पहले ही कुक करके रखा था, अब इसकी बारी है, इसको हम लोग डालते हैं। जो राइस है इसको हम लोग डाल देते हैं। इसको डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको चलाएंगे, और जब चला रहे हैं उसी समय इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। अब इसमें सीक्रेट चीज डालते हैं जिससे इसका जो फ्लेवर है इंटेंस होगा। ये हम सोया सॉस लेते हैं, अपने अनुसार हम इसमें 2 ढक्कन मिलाए हैं, इसको हम लोग सीक्रेट चीज इसको हम मिलाते हैं, इसी से इसका फ्लेवर बढ़ता है। इसको मिलाने के बाद इसमें नमक मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग 1.5 पैकेट डालेंगे, क्योंकि 1 पैकेट में जो फ्लेवर है ना वो आता नहीं है, हालांकि ये तीखा रहता है, इसका ध्यान दीजिएगा। हम लोग ने इतना डाल दिया है तो बस ये फट से हो चुका तैयार। अब आपको एक सीक्रेट बताते हैं, इसको मैंने छोटे कढ़ाई पे क्यों नहीं बनाया। छोटे कढ़ाई में आपको जो इसको आप चला रहे हैं वो चलाते अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको आप बड़े कढ़ाई में बनाएंगे तो इसको आराम से फैला के चला सकते हैं और दाने टूटते भी नहीं है।
तो ये हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि कितने यमी हैं और एक भी चिपके नहीं है। चलिए इसको सर्व करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, आप लोग भी बनाइए। तो ये हमारा फाइनली फ्राइड राइस बन के तैयार है, दिखने में बहुत ही रिच लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं और आप लोग भी बनाइए, सिंपल रेसिपी है, कुछ तामझाम है नहीं इसमें। तो आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट करने से पहले पहले आप लोगों को खिला देते हैं और आइए इसको टेस्ट करते हैं। मजा आ गया, एकदम रेस्टोरेंट वाला फीलिंग देता है। इसमें सारे जो वेजिटेबल थे, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, सबका टेस्ट आ रहा है। इसमें जो सबसे मेन जो जादू है वो है सेजवान चिंग्स के फ्राइड राइस मसाले का, बस उसी की बदौलत ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी बनाइए, एकदम सिंपल रेसिपी है, झटपट अगर चटपटा, क्योंकि इसके मसालों में जो तीखापन और जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब मजा आ जाता है, इसको तो खाते ही रहेंगे। कट कट कट।